मैं मिलियनेयर नहीं बन सका, आई वांट टू बी अ मिलियनेयर, हो विल आई बी। तो मैंने कहा कि आपको पता है दुनिया में कामयाब लोगों के लिए तो ऐसे एजुकेशन बड़ी एजुकेशन, उसके बाद वो मिलियनेयर भी बन गए और मिलियनेयर भी बन गए। कहता सर मैंने तो एमबीए कर लिया है, मेरे पास तो, मैं तो गोल्ड मेडल मेडलिस्ट में की लिस्ट में भी शामिल हूँ, लेकिन मैं नहीं आगे बढ़ पाया, तो कैसे पॉसिबल है? मैंने कहा एक रूल, सिर्फ एक सिंपल रूल, ये रूल उन्हीं लोगों की फिर लिस्ट से जो 1% कामयाब लोग, द वंस हु आर कंट्रोलिंग द वर्ल्ड। आई सेड इफ यू वांट टू बी अ मिलियनेयर हेल्प 1 million पीपल, डू समथिंग दैट कैन हेल्प 1 million पीपल, एंड इफ 1 million पीपल ईच वन गिव्स यू 1 rupee, यू विल हैव 1 million एंड यू विल बी अ मिलियनेयर। वेरी सिंपल। Do you understand? If you want to be a millionaire and if you help 1 million people and if 1% from each, if each 1% gives you 1 rupee, then how will you collect total 1 million? तो 10 लाख डॉलर अगर आपने हासिल करने हैं तो जिंदगी में कुछ ऐसा कर दो, कुछ ऐसा, चाहे वो 3 महीने में हो जाए, 6 महीने में हो जाए, 1 साल में हो जाए, 3 साल में हो जाए, कुछ ऐसा कर दो कि वो 1 million लोगों की हेल्प कर दे। तो अगर 1 million लोगों की उसने हेल्प कर दी और अगर सब ने 1-1 रुपया भी आपको डोनेट किया तो आपके पास 1 million इकट्ठा हो जाएगा, सिंपली आप मिलियनेयर बन जाओगे। देयर इज नो मिस्ट्री। तो आपको पता चला मिलियनेयर कैसे बनते हैं? जब बिल गेट्स ने 1 million लैप वो कंप्यूटर सेल किए, 1 million जब उसने कंप्यूटर सेल किए, तो अगर उसको 1 रुपया भी एक कंप्यूटर में बचा हो, 1 डॉलर भी बचा हो, तो 10 लाख डॉलर उसके साइड पे आ गए। लोग बिल गेट्स को समझते हैं इन्वेंटर, जो इजाद करता है। मैं समझता हूं कि वे बहुत अच्छा बिजनेसमैन है। वो कुछ ऐसा बनाता है कि 1 million, आप पाकिस्तान की आबादी 200 million है। कितनी? 200 million, 20 करोड़। तो आप पढ़ के जॉब के पीछे धक्के खाने की बजाय आप सिर्फ कोई एक चीज 1 साल में, 6 महीने में, 2 साल में ऐसी बना लें कि ये 200 मिलियन में से सिर्फ 100 मिलियन, 20 करोड़ में से सिर्फ 10 करोड़ लोग अगर वो आपकी चीज खरीदते हैं तो आप मिलियनेयर। राइट? And if you want to be a, and if you want to be a billionaire, अगर आप billionaire बनना चाहते हैं, तो make something that's gonna help a billion people. Mark Zuckerberg, Facebook inventor, क्या 1 billion लोग उसका Facebook नहीं use करते? करते हैं। आप हर महीने internet के पैसे देते हो, right? अब हर महीने आप इंटरनेट की फीस देते हो जिसमें कुछ हिस्सा फेसबुक को भी जाता है, तो अगर 1 billion लोग उसका फेसबुक यूज करें और 1 रुपया सिर्फ उसको प्रॉफिट 1 डॉलर भी बच जाए, तो आप समझ लें कि 1 दिन में या 1 महीने में उसने 1 billion कमा लिया। एंड इफ ही अर्न्स 1 billion, बट अनफॉर्चुनेटली ये रूल्स हमें इन बुक्स में नहीं पढ़ाए जाते। जब तक मैं इधर था तब तक तो नहीं पढ़ाए जाते थे, आज पढ़ाए जाते हो तो आई डोंट नो, यू बेटर नो। इन ऑर्डर टू हेल्प अहेड, इन ऑर्डर टू हेल्प अदर्स, इन ऑर्डर टू केयर अहेड, इफ यू वांट टू बी द ग्रेट ऑफ
आलमी हमारे लीडर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी जितनी खिदमात हैं या जितनी उनकी काविशें हैं इंसानों के लिए किसी और की उतनी नहीं, उनका उहदा भी उतना है जितना और किसी का है। कायदे आजम ने आज के हिसाब से अगर 20 करोड़ लोगों की मदद की तो कायदे आजम को 20 करोड़ लोग जानते हैं और उनके बारे में अच्छा कहते हैं और उनके लिए स्टैंड लेते हैं। एधी ने अगर 5 करोड़ लोगों की हेल्प की तो 5 करोड़ लोग आज उसके साथ स्टैंड करते हैं, राइट? आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जितना कामयाब आपने बनना है उतनी ज्यादा हेल्प आपको लोगों की करनी है। ये भी वो 1% क्रीम जो इस दुनिया की है, जो दुनिया को कंट्रोल किए हुए है, ये भी वो करती है। आपने कभी लेस खाई थी? You didn't know it. हमें तो पता भी नहीं था ये लेस आई कब और कब हमारी जिंदगियों में एक खास हिस्सा बन के रह गई। कैंटीन में लेज ना हो तो वो कैंटीन ही नहीं है, राइट? ये आइडिया भी उन 1% लोगों का है कि आपसे लड्डू छुड़ा के उन्होंने आपको लेज खिलाना। लड्डू सस्ते मिलते थे, लेज 50 की थोड़ी सी होती है ताकि आप दोबारा बाय कर सकें और उन कॉर्पोरेट की हेल्प कर सकें फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग। So you have to follow the rules that 1% people of this world, the ones who are controlling the world, the ones they are following, you have to follow too. Absolutely. Helping people means if people are in trouble, help them out. That's problem solving. And when you help them out, you get stronger. पॉलिटिशियन, आपने नाम सुना होगा जमशेद दस्ती साहब का, राइट? एक असगर अली मंडा साहब भी हैं, ये शरदपुर रोड पे शिवपुरे की तरफ एक रोड जाता है, वो वहां के एमसी। अब ये लोग क्या करते हैं, इनको कोई पार्टी टिकट ना भी दे बट ये आजाद इलेक्शन लड़ के भी जीत जाते हैं। व्हाई? Because they help the people. Simply, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मिस्ट्री नहीं है, ये जस्ट उन लोगों की मदद करते हैं, दिल से मदद करते हैं, उनके साथ स्टैंड करते हैं, जब उनको जरूरत होती है वो वहां पर पहुंचते हैं, and that's why they don't need any party's ticket to win. They get to win because of their hard work. They get to win because they truly help the people. If we talk about the great people on planet Earth, so they are the people who follow the rules that 1% people on planet Earth are following, the ones who are controlling the world. Iski hum agar misal le, Nelson Mandela, you know him, right? 26 years of his life has been spent in prison. 26 years वो जेल में रहे। लेकिन वो उठे भी ह्यूमन राइट्स के लिए थे और एंड तक भी वो ह्यूमन राइट्स के लिए चलते रहे, एंड दैट्स व्हाई टुडे वी नो हिम। तो ये जो 1% लोग हैं इस दुनिया के, ये इजाद कर रहे हैं वैक्सीन। आज तो पता है, आपको पता है सेकंड वर्ल्ड वॉर में मिलियंस लोग जो हैं वो जख्मी हुए मरने के बाद भी, जो मर गए वो तो मर गए बट जो इंजर्ड हुए मिलियंस। उससे पहले तक क्या होता था कि जब किसी को कोई जख्म लग जाता था तो कंफर्म होता था इसने मरना ही। हाँ, 2 महीने निकाल ले, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, बट
he will have to die after all. क्योंकि वो लोहे में बारूद से कुछ इस तरह का जहर फैल जाता था जिसकी वजह से मौत ही आती। उसके बाद उन्हीं 1% लोगों में से किसी ने दिल से ये पेन ली, यार कौन से जरासीम हैं, कौन से जर्म्स हैं जो व्हाइट सेल्स की हेल्प नहीं करते, बीमारी को किल नहीं करते। उन्हीं 1% लोगों में से एक साइंटिस्ट दिन रात अपनी रूह अपने दिल को इन्वॉल्व कर देता है और वो एक वैक्सीन डिस्कवर करता है, इजाद नहीं डिस्कवर। तो वो क्या होता है, जिस तरह वो डबल रोटी के ऊपर वो ग्रेन से लग जाती है, उससे उसने वो वैक्सीन इजाद की कि जो कि व्हाइट सेल्स को हेल्प करे और दूसरे रेड सेल्स को या बीमारी वाले सेल्स को किल करे और इंसान दोबारा से ठीक हो जाए। उसकी फिर लेटेस्ट शक्ल आज हमारे पास है। तो आपने भी अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो आपने उन 1% लोगों को उनके रूल्स को फॉलो करना है जो इस पूरी दुनिया को कंट्रोल रखे हुए हैं और जो आपको जीन्स पहनाते हैं, शलवार कमीज नहीं, जो आपको पिज्जा खिलाना चाहते हैं, लड्डू नहीं। यू अंडरस्टैंड दैट? Now let's get ahead. In this phase, I will be asking you a few questions so that I can help you answering to your questions. आप लोग ज़िंदगी में कामयाब क्यों नहीं? You must be 25 plus, 22 plus, right? Or must be, well, I guess nobody wants to tell. No problem. Mark Zuckerberg 20 plus की एज में बिलियनेयर बनता है। बिल गेट्स 30 की एज में मिलियनेयर बनता है। और आप तभी लर्नर हो, आप जिंदगी में आगे क्यों नहीं बढ़े? आई वांट टू नो द रीजंस, व्हाट आर द रीजंस दैट हैव स्टॉप्ड यू फ्रॉम गेटिंग अहेड, अकॉम्प्लिशिंग समथिंग ग्रेट ऑन दिस प्लेनेट। यू सर, हमारे पास कुछ हो जिसकी वजह से हम सर्वाइव कर सकते हैं, आप बताइएगा सर? यस। क्यों आप जिंदगी में अभी तक कामयाब नहीं? कोई अच्छा प्लेटफॉर्म अभी तक अवेलेबल नहीं, न्यू अपॉर्चुनिटीज नहीं है। यू हैव टू रिमेंबर व्हाट यू सेइंग, ओके? Because answer is going to come to solve your problem. Yes? Sir, because हमारी ना शुरू से हमें जब से पढ़ाना हमने study start की है, yes, yes. हमारे teachers हमारी start से grooming इसी पे कर रहे हैं कि आगे चल के आपने सिर्फ job करनी है, ठीक। आप एक बड़ी fixed amount के साथ जिएंगे और उसके अलावा आप कुछ भी नहीं करेंगे। हमारी start से ही grooming हमारी जो है वो सिर्फ job के लिए हो रही है, कभी business के लिए हमें किसी ने motivate किया ही नहीं। आप अभी तक कामयाब क्यों नहीं हो पाए? यूनिवर्सिटी में जब मैं आया हूँ तब मुझे दफ्तरी करने दिया गया। मेरे जैसे कितने लोग ऐसे यूनिवर्सिटी में लाए, बाद भी सही तरह खोल के नहीं कर सकते।
This is the main reason कि आप लोग अपनी मर्जी से कुछ कर ही नहीं सकते. यूनिवर्सिटी में आज लड़की मैंने आजादी दी, ठीक है, तो ये एक बड़ी रीजन है इस बारे में. तो यब अभी तक हमने उतना हार्डवर्क किया ही नहीं है. रियलिटी सब हमारे सामने है लेकिन हम उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं. यूनिवर्सिटी में किसी चीज का कोई ना सुन नहीं गया है. That's reality. You, ma'am. Okay, now let me answer to your all questions. आप अभी तक कामयाब नहीं हो पाए. दुनिया के कामयाब लोग अदर देन ट्रिकरीज, दुनिया के कामयाब लोग कुछ असूलों पे चलते हैं, कुछ वेज हैं, या आप कह लें कि अल्लाह पाक ने कुछ रास्ते बनाए हुए हैं कामयाबी पे. उस पर चाहे काफिर चले, उस पर चाहे क्रिश्चियन चले, उस पर चाहे मुसलमान चले, उस पर कोई भी चले, वो कामयाब होगा. एंड यू डू नो अबाउट इट कि आपने देखा होगा कि दुनिया के कामयाब लोगों में सारे मुसलमान नहीं हैं. देयर आर फ्यू बट देयर आर अदर पीपल द वंस हु आर नॉट मुस्लिम, दे आर नॉट इवन क्रिश्चियंस, दे आर नॉट ज्यूज, दे आर नॉट बुद्धिस्ट, but they are successful. Even those people are successful, the ones जो खुदा को भी नहीं मानते, ऐसे भी लोग कामयाब हैं. वो कामयाब क्यों हैं? Because they follow the rules. वो उन अल्लाह पाक के असूलों और रास्तों को जानते हैं और उस पर चलते हैं, जिस पर चलने के बाद कामयाबी मिलती है. That's why रिलीजियन से दूर होके वो अल्लाह पाक के उन रास्तों पर अमल करने का. वो रास्ते कौन से हैं? अभी सबको अपने अपने क्वेश्चन याद है, राइट? अब वन बाय वन मैं आंसर दूं कि अगर आप क्रिएटिव हों, बीइंग क्रिएटिव इज द रूल फॉर सक्सेस, तो अगर आप क्रिएटिव हो तो क्या आप कामयाब हो सकते हैं कि नहीं? ये जो आपने मुझसे सवाल किया था या आपने अपनी परेशानी बताई, क्या वो परेशानी के होते हुए अगर आप क्रिएटिव हो तो क्या आप उसका तोड़ नहीं निकाल सकते? Tell me. अगर आप विजनरी पर्सन हो, अगर विजन हो आपके पास, तो जो प्रॉब्लम आपने मुझे बताई वो प्रॉब्लम के होते हुए भी क्या आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते? विच मीन्स यू डोंट नो द रूल्स ऑफ सक्सेस, यू डोंट नो द वेज दैट आर गोना हेल्प यू गेट अहेड. एम आई राइट ऑर नॉट? दुनिया के हर दौर में, हर दौर में, पूरे से पूरे दौर में, 2008 का बड़ा डिप्रेशन का दौर गुजरा है, बट उसमें भी कुछ लोग मिलियनेयर्स बने, कुछ बिलियनेयर्स बने, कुछ फेमस ऑथर बने, कुछ बहुत बड़े बिजनेसमैन बने, कुछ अच्छे टीचर्स बने. बहुत सारे लोग दुनिया में बहुत ज्यादा कामयाब हुए, हालांकि बड़ा डिप्रेशन का और बड़ा अजीब सा दौर था. दुनिया में कई इंडस्ट्रीज बिलियंस उन्होंने कमाए, एवं जंग के दौर, वॉर के दौर. बट द थिंग इज कि नो मैटर आप किस हालात में रहते हो, नो मैटर आप किस जगह पे रहते हो, अगर आप क्रिएटिव हो तो यू कैन किल द प्रॉब्लम. अगर आप विजनरी हो तो यू विल बी एबल टू सॉल्व योर ऑल प्रॉब्लम्स. एंड यू नो प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली द स्टेप्स दैट हेल्प यू get a heavy life. अगर सब प्लेन हो, दुनिया के कामयाब तरीन ड्राइवर
कभी भी सीधे रास्तों पर गाड़ी चला के कामयाब नहीं हुए। ये रशिया की एग्जांपल है कि दुनिया के कामयाब तरीन ड्राइवर्स हमेशा उल्टे सीधे अप्स एंड डाउन्स वाले रास्तों पर जब वो गाड़ी चलाते हैं तब ही वो कामयाब होते हैं। तो अप्स एंड डाउन्स टू सम एक्सटेंट इट इज नथिंग लेस देन अ ब्लेसिंग फॉर यू। अगर बिल्कुल स्ट्रेट आप ऊंचाई पर जाना है ना आपने, अगर बिल्कुल स्ट्रेट बनी हो सीढ़ी जिसमें कोई स्टेप ना हो, मतलब कोई हर्डल ना हो, बिल्कुल स्ट्रेट हो, तो आप तो चढ़ने लगोगे गिर जाओगे। विच मीन्स प्रॉब्लम्स आर इन योर फेवर। Am I right or not? Okay, let's have a break.